Hello friends, I'm Sweta. Welcome to my kitchen. आज हम बैगन का भरता बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बैगन लेंगे। मैंने 2 मीडियम आकार के बैगन लिए हैं। लहसुन, मिर्ची, प्याज, अदरक सबको बारीक कटा हुआ टमाटर 3 लिए हुए हैं मैंने मीडियम साइज के। नमक, लाल मिर्च, पीस, हरा धनिया और ऑयल। सबसे पहले हम बैगन को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। उसमें हमने हल्का हल्का ऑयल लगा दिया है जिससे हमारा बैगन अच्छी तरह से अंदर से सिके और इसका हम अच्छे से छील सकें। हम ऑयल लगाने से बैगन को आराम से छील सकते हैं, ये जल्दी से पील हो जाता है। अब इसको हम बैगन को हमने गैस पे धीमी आंच पे रखा है, तेज आंच पे रखेंगे हम तो हमारा बैगन जल्दी से जल जाएगा, अच्छे से भुनेगा नहीं और पकेगा नहीं। अब हमारा बैगन भुन रहा है, इसको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। जब हमारा बैगन हल्का पक जाए तो हम गैस आंच को तेज कर देंगे। देखिए हमारे बैगन भुन गए हैं। अब हम इन्हें पील करेंगे, छीलेंगे। देखिए मैं इसे हाथ से छील रही हूँ, बट हम इसे फोर्क से छीलेंगे तो ये आसानी से छिल जाएगा और जल्दी छीलेगा। देखिए हमारा बैगन आराम से पील हो रहा है, छिल रहा है ना, हमारे हाथ चलेंगे। अब हमारे बैगन छिल गए हैं, मैंने इसे स्पून या फोक से ही मैश कर देंगे। देखिए हमारा बैगन आराम से मैश हो गया है। अब एक पैन लेंगे जिसे हम गैस पर रखेंगे। इस पैन में हम ऑयल 2 से 3 स्पून हम उसमें ऑयल डालेंगे। फिर इसमें हमने जो सामग्री ली थी इसे हम पकाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें बारीक कटे हुए 2 से 3 लहसुन डालूंगी। ये मेरी लहसुन की कलियां बड़ी थी तो इसलिए मैंने 2 से 3 ली हैं। आप 5 से 6 लहसुन ले सकते हैं, इसमें लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि आप लहसुन डालें। अब मैंने इसमें अदरक, कटा हुआ मिर्च, कटा हुआ प्याज, प्याज मैंने एक मीडियम आकार का लिया हुआ है और मिर्च 2 ली हुई थी, इन सबको डाल के हम भूनेंगे, पकाएंगे। साथ में हम पीस को भी डाल देंगे, मटर को भी डाल देंगे ताकि ये पहले ही पक जाए साथ में। अब पैन को थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए। इनको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ढकिए। देखिए ये हमारे पकने लगे हैं सारी सामग्री। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हम पहले से ही डालते हैं, अगर हम टमाटर पहले डाल देंगे तो हमारी ये मटर और प्याज पकेंगे नहीं। अब इसमें मैं 2 चुटकी सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि टमाटर और जल्दी पक जाए। अब मैं इस पैन को हम थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। अब कि हम 2 मिनट के लिए ढकेंगे। गैस को मीडियम या धीमी आंच पे रख देते हैं। देखिए टमाटर भी पक गए हैं 2 मिनट बाद। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। इसमें बैंगन के भरते में ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, एक्चुअली मैं नहीं डालना प्रेफर करती हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसमें मैं केवल नमक और लाल मिर्च डालती हूँ। अब हमारे टमाटर पक गए हैं तो उसमें हम ये बैंगन का मैश डालेंगे, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे स्वाद अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, एक दूसरे में घुल मिल जाए। वाह, ये बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हमारा बैगन का भरता तैयार होने लगा है। अब हम गैस को तेज बंद कर देंगे और इससे हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे। वाह,
हमारा बैंगन का भरता तैयार है।